हेलो थ्रियन फैमिली, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप सभी लोग बढ़िया होना भी चाहिए। तो फटाक से लाइक से सब्सक्राइब कर दो और चैनल पे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा उसे दबा दो यार। 16,000 हमारे होने वाले थे लेकिन तुम लोग चाह ही नहीं रहे हो कि वो हो जाएं। मात्र 8 सब्सक्राइबर और चाहिए है, तो 8 आज के आज ही कर दो यार, दबा दो बटन। दिख रहा है लाल वाले बटन में तुम कैरी मिनाटी पे 16,000 हो गए हैं, हो गए हैं, हो गए हैं, हो गए हैं। अभी तक 8 कम रहे थे, मैंने ओपन करके देखा तो हो चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 16K। वो हाँ, वैसे जो कहना चाहता था मैं वो ये बात है कि हमारे पास बहुत सारी नोबल्स हैं, इतनी सारी कि मैं बता भी नहीं सकता कितनी सारी नोबल्स का था है, भंडार है इस दुनिया में। जितनी नोबल तुम पढ़ते जाओगे उतनी कम पढ़ती जाएंगी, लेकिन हम सभी को तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब देखो, काफ़ी सारी नोबल्स तुम लोग मुझे कह रहे हो कि BDTH की ये करो, BDTH की वो करो। देखो, अब हमें एक ऐसी नोबल चाहिए जो कंप्लीट हो, तो काफ़ी सारे सजेशन थे और उनमें से मैंने सराउंडिंग द हेवन को चूज़ किया है, क्योंकि ईमानदारी से कहूँ तो ये है नोबल भी मुझे काफ़ी हरामी लगती है, मतलब काफ़ी अच्छी लगती है। एक्शन, ट्रेजिडी, ड्रामा और चंदा मामा सब कुछ है इस नोबल में। और जो BDTH के पीछे पड़े हैं भाई, मैं क्या घंस निकाल के लाऊं BDTH की नोबल्स? तुम लोगों ने अपने ब्लैक होल के अंदर घुसेड़ रखी है तो निकाल के दो मुझे BDTH की नोबल्स। मैं लिख रहा हूँ ना BDTH की नोबल। BDTH, अबे BDTH कहाँ से लाऊं मैं? सभी नोबल्स आधी आधी एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, आधी लिखी ही राइटर ने है, तो क्या करूँ? BDTH मैं पैदा कर रहा हूँ? नहीं, मेरी औलादे हैं ये BDTH की नोबल। अबे कहाँ से ले आऊं? रिवर्थ के मात्र 4 एपिसोड, 4 चैप्टर आए हैं, मैं 4 मिनट में एक्सप्लेन कर दूंगा उन्हें। साथ ही तुम सभी लोग, काफी सारे लोग कह रहे थे सिक्वल ऑफ गॉड, सिक्वल ऑफ गॉड, सिक्वल ऑफ गॉड। भाई ऐसा है, देखो, एक तो वो नोबल के 30-40 चैप्टर ज्यादा ज्यादा होंगे, ठीक है, ऊपर से ना वो मोरे को नोबल मिल रही और ना वो कंप्लीट है। अगर मैं उसे स्टार्ट कर दूंगा तुम लोग का फिर से रोना धोना स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं 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 कंप्लीट नोबल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। छोड़ दो यार, आगे बढ़ते हैं, और भी इंटरेस्टिंग नोबल्स हैं। कान में सुन के तो देख छोरे, फेफड़े थर्रा उठेंगे। इसीलिए अब कल मैं रिवर्थ का एपिसोड डालूंगा जिसमें रिवर्थ के जो नए चैप्टर आए हुए उन्हें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, जिसके बाद हम चलेंगे एक नई नोवेल के साथ। इसके चैप्टर आते रहेंगे और इसे हम कंटिन्यू एक्सप्लेन करते रहेंगे, जब चैप्टर आएगा तभी एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो आ जाओ चलते पिछले एपिसोड में। पिछले एपिसोड में कुल मिला के हो रही होती है फाइट। फाइट करते करते जो यान एक अंडरग्राउंड प्लेस पर चला जाता है और उस अंडरग्राउंड प्लेस के अंदर जॉन को एक ब्लड बैग दिखाई दिया था, जिसे देखकर जॉन को ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पे कोई ना कोई तो है जो स्ट्रॉन्ग पर्सन है। हालांकि जॉन उसकी तरफ जाता, उससे पहले ही तीनों टू ब्रदर अपेयर हो जाते हैं जो जॉन और उसकी टीम को रोक देते हैं, जो यूली को। तभी जो यूली 2-3 अटैक करती और ये लोग अलग अलग हो गए होते हैं उन अटैकों को रोकने के लिए, और तुरंत ही कहते हैं अगर ये जाग गया तो हम में से कोई नहीं बचेगा। एपिसोड मैंने वही एंड किया था, तो अब देखते हैं इस एपिसोड में अब क्या होने वाला है। बाकी अगर है तो तुम लोग भी देखो कोई अच्छी नोवेल, मैं भी देखता हूँ अगर कोई और अच्छी नोवेल मिली जिसका करंट एनिमे भी चल रहा है। अगर तुम लोग देखते हो एनिमे तो वैसे देखते ही होगे, तो फिर हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आ जाओ देख लेते हैं अब इस एपिसोड में क्या होने वाला है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जो यूली तुरंत ही कहती है क्या ये ताइक्सू द्वारा बनाई गई चीज नहीं है। हालांकि जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तभी जुआन की जो फिगर होती है वो उस ब्लड बैग के क्लोज पहुंच जाती है और जुआन की हथेली तुरंत ही उसकी तरफ बढ़ गई होती है, जो देखकर तीनों ही टू ब्रदर अचानक जुआन की तरफ देखते हैं। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी और जो यान का हाथ ब्लड बैग की तरफ बढ़ चुका होता है, जिसके बाद फ्लेम अचानक ही फूट पड़ती है और ब्लड बैग के पास कोई भी डिफेंस नहीं होता और तुरंत ही अर्थ के सेंटर पे एक लिक्विड फैलने लगता है जो धीरे धीरे सिकुड़ता है और इसके सिकुड़ने के बाद एक फिगर धीरे धीरे अपीयर होती है जिसके फोरहेड के बीच में एक हल्का सा निशान चमक रहा होता है, जिसके बाद एक आवाज आती है, यो हाइनेस जाग रहे हैं, ये कौन है जिसने यो हाइनेस के इतने अच्छे ड्रीम को बर्बाद कर दिया? और उसके बाद वो अपनी फिगर आंखें खोलती है और उसके मुंह से धीमी आवाज निकलती है, यहाँ तक कि तीनों टू ब्रदर के चेहरे पर काफी ज्यादा कड़वे इंप्रेशन होते हैं और वो तुरंत ही कहते हैं यो हाइनेस, ये बस सेनेक्सी की कुछ चीटियों का एक झुंड है जो इस जगह पर टूट पड़ा है। जैसे ही तीनों टू ब्रदर ने अपनी बात खत्म की होती है, दूरी पर खड़ा हुआ नंगा पोंगा पर्सन अपनी मुट्ठी को हल्के से कसता है और तीनों ही टू ब्रदर अचानक ही खून की उल्टियां करने लगते हैं। ऐसा लग रहा होता मानो उनकी पूरी बॉडी बुरी तरीके से चुभ गई हो और वो तुरंत ही जोर से जमीन पर गिरते हैं, जिसके बाद एक आवाज आती है, तुम सब बहुत बहादुर हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई योहानेस की नींद पे खलल डालने की? जैसे उसने कहा होता वो अपने हाथ से जो यान को दबाना शुरू कर देता और एक इनविजुअल पावर जोर को घेरने लगती है। लेकिन इसी टाइम पे जोयान के फोरहेड के सेंटर में 9 स्टार अचानक ही ग्लो होने लगते हैं और जोयान की फिगर तुरंत ही हजारों फीट लंबी हो जाती है
उसने लगभग इस एरिया के पूरे ही सेंटर पे कब्जा कर लिया होता है, जिसके बाद जॉन अपनी बड़ी सी फिश टैंक को लहराते उसकी तरफ बढ़ा देता है और एक तेज टकराने की आवाज आती है। हालांकि जोहान की जो फिश टैंक होती है वो हवा के खिलाफ मंडरा रही होती है और ऐसा लग रहा होता है पावरफुल इनविजिबल पावर ने उसे रोक दिया है। वो तुरंत ही कहता है, आपने मेरे ताइक्सु और मुझे योहानस जूलिन को नाराज करने की हिम्मत की, आप सभी यही मारे जाएंगे। दोस्तों तीनों ही टू ब्रदर यहाँ खून की उल्टियां कर रहे होते हैं, साथ ही उनके इनर ऑर्गन्स भी बुरी तरीके से डैमेज हो चुके होते हैं, खूनी मांस चारों तरफ बिखर गया होता है। हालांकि जल्दी दो ब्लड फिगर मांस और ब्लड से धीरे धीरे कंडेंस होती है, जिसके बाद ये दो फिगर तुया और तू सैंग में बदल जाती हैं, जिन्हें तुया ने पहले स्वेलो कर लिया था। हालांकि किसी को भी नहीं पता था कि इन तीनों भाइयों ने एक बॉडी में फ्यूज होने और फिर से अलग होने के लिए किस टाइप की हिडन टेक्निक का यूज किया था, लेकिन जो यान की लाइफ क्रिएशन टेक्निक के जैसी ये टेक्निक लग रही थी। लेकिन अभी भी ये जो टेक्निक है लाइफ क्रिएशन टेक्निक के सामने कुछ हद तक कम लगती थी। दोस्तों वो तुरंत ही कहता है, जूलिन ओरिजन गॉड, इंटरेस्टिंग, तो वास्तव में अभी भी ओरिजन गॉड के क्लेन मेंबर्स में से एक जिंदा है, लंबे समय से गायब हो चुकी इस ट्राइब में बहुत कम बचे हुए हैं, तुम्हारे लिए जिंदा रहना आसान नहीं हुआ होगा, तो मेरे साथ जुड़ने के बारे में क्या कहा है, क्या ख्याल है? वो जुआन की तरफ देख रहा होता है और जुआन को अपने तरफ मिलाने की कोशिश कर रहा होता है, साथ ही जुआन के मुक्के को रोकने के लिए उसने केवल अपनी हथेली को हल्का सा हवा में उठाया हुआ होता है। तभी जुआन कहता है, यह कैसी लॉ ऑफ पावर है? जुआन काफी हैरान था, जुआन ने देखा था यह बंदा उसके अटैक को सिर्फ हवा में रोकने में कैपेबल है, जबकि उसकी फिस्ट में वो कितनी भी पावर क्यों ना लगा ले वो जरा सी भी आगे नहीं बढ़ रही। जॉन को केवल यह महसूस हो रहा होता जैसे उसकी फिस्ट किसी ठोस दीवार के सामने रोकी गई हो, जिस पर वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले वो उस दीवार को नहीं तोड़ सकता, और ये ऐसा था मानो जॉन अपनी पावर के खिलाफ लड़ रहा था। यहाँ तक कि जो यूली को काफी ज्यादा हेल्पलेस महसूस होता है और वो तुरंत ही एम्बेरस होते हुए अपना कदम आगे बढ़ाती है और डेथ स्टिक को हवा में लहराने लगती है और सीधे ही जूलिन की तरफ फेंक देती है। साथ ही जो डेथ स्टिक होती है सीधे ही पागलों की तरह हवा में घूमते हुए जूलिन की तरफ जा रही होती है और जूलिन अपने हाथ को बढ़ाते हुए जो यूली के डेथ स्टिक को पकड़ लेता है, प्रेशर बनाता है, जैसे जो डेथ स्टिक होती है वो तुरंत ही स्टेबल हो गई होती है। लेकिन अगले ही पल ऐसा महसूस होता है जैसे एक कोल्ड पावर बिखरते हुए जूलिन की तरफ दौड़ पड़ी हो, जो देखकर जूलिन का चेहरा एकदम हैरान हो गया होता है और वो इस आने वाली एनर्जी से बचने के लिए अपनी बॉडी को तुरंत ही हिलाते हुए यहाँ से पीछे हटता है। जिसके बाद जो यूली तुरंत ही कहता है, ये केवल भूत होने का नाटक कर रहा है, ये पावर ऑफ स्पेस को कंट्रोल करता है। जो यूली जूलिन द्वारा कंट्रोल किए जा रहे लॉ ऑफ पावर को देख रही होती है। हालांकि इस पावर ऑफ स्पेस का जो यान पे तो इफेक्ट पड़ रहा था, लेकिन जो यूली पर घंटा इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता क्योंकि पावर ऑफ रीइन्कार्नेशन ऑब्वियसली इससे स्ट्रॉन्ग थी। तभी जूलिन तुरंत ही कहता है, ओह सच में बच्चे, तुम्हारा लहजा कुछ ज्यादा ईगोइस्टिक है, मुझे लगता है तुम्हें ताइक्सु के डार्क वाइड रियलम का एक्सपीरियंस करना चाहिए था, लेकिन तुम्हें तो पता ही नहीं होगा कि ये आया कहाँ से, इसीलिए चलो मैं तुम्हें रियल डार्क वाइड रियलम का एक्सपीरियंस कराता हूँ। जूलिन के जो वर्ड होते हैं वो एकदम कोल्ड होते हैं, जिसके बाद वो उंगलियों को फैलाने लगता है, जिसके बाद वो फिर उसे अपने सामने वाइड पर प्रेशर डालता है जैसे उसने बल लगाया। जो यान और जो यूली अचानक ही एक पावरफुल पावर से घिर गए होते हैं और उसकी फिगर तुरंत ही अनमैचेबल हो गई होती है। जूलिन की पांच उंगलियां बल लगा रही होती हैं और आसपास उसके हाथ में पूरी नसें उभरी हुई होती हैं। साथ ही जितना ज्यादा जोरदार लगता है उतना ही ज्यादा दबाव भी बढ़ता जा रहा होता है। जिसके बाद जूलिन तुरंत ही कहता है, तुम तीन चूतियों तुम क्या कर रहे हो, तुम इन दो चींटियों को क्यों नहीं मार देते? जोयान और जो यूली को देखने के बाद जूलिन ने यहाँ पे तुयान और बाकी लोगों को देखा होता है, जो सुनकर तुयान तुरंत ही जो यूली और जोन की तरफ दौड़ पड़ता है। आखिरकार तुयान यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन था उन तीनों ही ब्रदर में। हालांकि वो जो यूली की तरफ दौड़ा होता लेकिन जिस टाइम पे वो वापस आ रहा था जो यूली कोल्ड नजर से अचानक उसकी तरफ देखती है और तुयान अपनी जगह पर स्टेबल हो जाता है। जिसके बाद जो यूली तुरंत कहती है, हालांकि आप मेरे सेनेक्सी के लोग नहीं है लेकिन पावर ऑफ रीइन्कार्नेशन आपको अभी भी आपके पास्ट और प्रेजेंट को देखने की इजाजत दे सकती है, तो इसके बारे में ध्यान से सोचें। जिसके बाद तुयान की आंखें एकदम खोखली हो चुकी होती है, उसने चलना बंद कर दिया होता है। दोस्तों जोयान के ऊपर तो वाइड डार्क रियलम का जो प्रेशर था बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन इस समय जोयान की फिजिकल बॉडी वास्तव में धीरे धीरे एक्सपेंड होना शुरू हो चुकी होती है और वो अर्थ के कोर को फाड़ते ऊपर की तरफ बढ़ रहा होता है। जोयान ने अभी तक ओरिजन गॉड क्लोन की पावर को अपेयर किया होता है, लेकिन अब जोयान एक्सट्रीम जायंट ओरिजन गॉड बॉडी को अपेयर करने लगता है। फिजिकल बॉडी जितनी ही ज्यादा बड़ी होगी उस पर प्रेशर झेलने की पावर और अटैक पावर या पावर उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। साथ ही जो यान के लिए वान जांग को अब साइज को बॉडी की अपने थॉट के हिसाब से कंट्रोल किया जा सकता था। पूरी बॉडी पर गोल्डन लाइट चमक रही होती है और हर बार जो यान का शरीर बड़ा होता जा रहा होता है। जिसके बाद जो यान कहता है, पावर ऑफ स्पेस, मैंने सुना था कि ओरिजन गॉड बिना किसी लॉ ऑफ पावर को फॉलो किए बगैर वो किसी भी लॉ ऑफ पावर को ब्रेक कर सकते हैं, तो ये आज भी सही है। मेरा ओरिजन गॉड क्लेन और फैमिली कभी भी किसी भी लॉ को फॉलो नहीं करता।
पावर ही सब कुछ है, यहाँ चीज चाहिए तो बस एक पावर। चलो मैं तुम्हें कुछ सबक सिखाता हूँ और दिखाता हूँ कि हमारा ओरिजिन गॉड फ्लेम और क्लेन कितना स्ट्रॉन्ग था। दो सब जिन हुआ सेन तो एकदम एक्साइटेड हो गया होता है। इस टाइम पे उसकी आवाज जोयान से बात कर रही होती है और जोयान के कान तो एकदम बज रहे होते हैं, क्योंकि जोयान से ज्यादा तो जिन हुआ सेन इसे मारना चाहता था कि ओरिजिन गॉड क्लेन की बेइज्जती कैसे कर दी बे तूने। जैसे जैसे जोयान की फिजिकल बॉडी हजारों फीट फिर कई हजार फीट तक बढ़ती है, व्हाइट डार्क रियलम का जोयान के ऊपर इफेक्ट पड़ना बंद हो चुका होता है और गोल्डन लाइट जोयान की बॉडी में चमकने लगती है, जिसके बाद एक छोटी सी दांत खुजाने वाली छड़ी जोयान के हाथ में आ जाती है। लेकिन जैसे ही वो जोयान के हाथ में आई थी, वो छड़ी हो जाती है बहुत बड़ी और ये त्यान जो पिलर होता है जिसके ऊपर एकदम स्ट्रॉन्ग नाच रहा होता है, उसने अर्थ के पूरे सेंटर पर कब्जा करके रखा हुआ होता है। जोयान ने त्यानजू पिलर को कसकर पकड़ रखा होता है और सीधा ही जूलिन की ओर उसे बढ़ा दिया होता है। लेकिन तभी एक आवाज आती है रिवर्स, और अचानक ही जोयान अपनी बॉडी पर कंट्रोल खो देता है और आसपास का बल और एरिया पूरी तरीके से अनबैलेंस हो गया होता है। और जोयान अपना कंट्रोल तो खोता ही है, पूरा का पूरा एरिया और बॉडी भी अनबैलेंस हो गई होती है, जिसके परिणाम स्वरूप जो त्यानजू पिलर होता है वो अपनी डायरेक्शन बदल देता और जूलिन से नहीं टकराता। हालांकि जोयान त्यानजू पिलर को फिर से जूलिन की तरफ बढ़ाता है, लेकिन अजीब तरीके से ये डायरेक्शन पीछे की तरफ होती है, जो देखकर जोयान के पास अपनी ताकत का यूज करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था। जोयान एक बात तो समझ गया था कि जूलिन के पास अभी भी काफी सारी टेक्निक्स और स्ट्रेटजी है, साथ ही उसकी जो पावर है वो काफी स्ट्रॉन्ग है और ये जगह भी उसकी और यहाँ का माहौल भी काफी कैओसफुल। भले ही जोयान यहाँ पे अपनी बॉडी को बड़ा कर सकता, लेकिन इसका ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हालांकि जूलिन की पावर स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती, लेकिन जिन लॉ ऑफ पावर को उसने मास्टर करके रखा हुआ है वो काफी ज्यादा पावरफुल और इफेक्टिव है। और जब जोयान इसके बारे में सोच रहा होता है कि सिचुएशन को कैसे तोड़ा जाए, तभी जो यूली की फिगर अचानक ही अपीयर हो गई होती है। ऐसा लग रहा होता है कि इस वाइट डार्क रियलम का उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, और जैसे ही वो बाहर निकलती वो अपने हाथ के डेथ इस टेक को उड़ा देती है और तुरंत ही कहती है ओए पारगेटरी कुत्ते आजा। साथ ही जो यूली अब सभी वर्ल्ड यानी 10,000 वर्ल्ड कॉम्पिटिशन से भी ज्यादा पावरफुल थी, उसने बॉडी से काफी हद तक पट्टियां निकाल दी थी। हालांकि पूरी पट्टियां उसने नहीं हटाई थी, लेकिन इस पट्टी का हटाने के कारण उसकी पावर इस लेवल तक तो पहुंच गई थी कि ये वाइट डार्क रियल में उसकी बॉडी पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। जिसके बाद जोलिन जब ये देखता है कि जो यूली उसकी तरफ बढ़ रही है, तो अचानक ही वो अपनी बॉडी से काफी सारी ईविल सोल्स को बाहर की तरफ जनरेट करते हुए छोड़ देता है। उसकी बॉडी जेल जोर से हिल रही होती है और काफी सारी अग्रेसिव सोल्स बॉडी से कंटिन्यू बाहर निकल रही होती है। इस सीन ने तो वास्तव में जूलिन को चौंका दिया होता है, वो नहीं जानता था कि ये सोल आखिरकार कहां से आई है। तभी जो यूली तुरंत ही कहता है कहती है इन सभी लोगों ने तुम्हें मारा, तुम्हें इतना टॉर्चर किया, आज तुम्हारे मालिक तुम खुद हो, मैं आज तुम्हारा बदला लेने का मौका तुम्हें देती हूँ, अपना बदला ले लो। जोली की आंखें एकदम शांत होती, दूसरी तरफ जूलिन की जो आंखें होती वो एकदम सिकुड़ चुकी होती, वो वास्तव में डर गया होता क्योंकि उसे पता था इनमें से हर एक सोल अग्रेसिव सोल है, जिनके बीच में कुछ चेहरे भी दिखाई दे रहे थे जिन्हें वो याद भी नहीं करना चाहता। जूलिन तुरंत ही कहता है यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। जूलिन का जो स्ट्रॉन्ग मेंटल स्ट्रेंथ होता है वो एकदम वीक पड़ने लगा होता है। हालांकि इस टाइम पे जो यूली जो शो कर रही होती है वो जो यूली का इमॉर्टल डिवाइन रियलम था, इमॉर्टल गॉड स्पिरिट रियलम, और वो अपने डिवाइन रियलम में उसके मन के साथ खेल रही होती है। साथ ही इस टाइम पे क्योंकि अब जूलिन का दिमाग उथल पुथल में होता है, तो जूलिन के रिवर्स रियलम जिसने जोयान को सप्रेस करके रखा होता है वो भी गायब हो गया होता है। और जैसे ही जोयान ठीक होता है, त्यानजू पिलर सीधा ही अर्थ के कोर की तरफ बढ़ जाता है और जूलिन की ओर अटैक कर देता है, और इस एक अटैक के साथ अर्थ का पूरा कोर डैमेज हो चुका होता है। यहाँ पे हॉन्गमेंग स्टार का स्टार कोर ताइक्सु द्वारा अब्सॉर्ब नहीं किया गया था जाहिर तौर पर, क्योंकि यहाँ पे वह योहानेस जूलिन कल्टीवेट करने के लिए इस स्टार कोर पर रिलाय कर रहा होता है। जोयान देख सकता था कि जूलिन की जो आंखें होती हैं वो एकदम खाली हैं। जोयान जूलिन के ओरिजिन को महसूस करने के लिए अपनी स्पिरिट का यूज करता, मतलब स्पिरिचुअल पावर का, लेकिन जोयान अभी भी ये पता नहीं लगा पा रहा था कि ये मर गया है या जिंदा है। लेकिन तभी जूलिन बहुत तेज स्पीड के साथ अर्थ के सेंटर से बाहर निकलता है, जिसके बाद एक आवाज आती है चींटियों मेरे साथ बाहर आओ और फाइट करो। जब यह आवाज आती है जोयान एक नॉर्मल फिगर में बदल गया होता है, और इसके बाद वो और जो यूली अर्थ के डैमेज हो चुके सेंटर कोर से बाहर निकलते हैं, और इसके बाद वो यहाँ से थोड़ा दूर चले गए होते हैं, क्योंकि आखिरकार इस तरीके के बैटल में बैटल फील्ड से थोड़ा दूर रहना ही ज्यादा अच्छा है, ताकि कोई भी इससे इफेक्टिव ना हो। तभी जो यूली से जोयान कहता है तू फैमिली के तीनों ही ब्रदर्स ने जानबूझकर हमें अर्थ के सेंटर की तरफ ले जाने की कोशिश की, क्योंकि ये योहानेस के ओरिजिन को जानते थे और वो चाहते थे कि हम इसे खोजें। उन्हें पता था कि वो अनबीटेबल है और हम उसे नहीं हरा पाएंगे। अगर वो उन्हें छिपाने के लिए फॉर्मेशंस का यूज करते
तो हम उसे इतनी जल्दी नहीं ढूंढ पाते। यत्ताइक सु वास्तव में यहाँ पे अपने ही लोगों के खिलाफ साजिश बना रहे हैं। तभी जोयोली तुरंत कहते हैं, मुझे नहीं लगता किसकी ताकत इतनी ज्यादा बड़ी है, इसे थर्ड स्टेप पर होना चाहिए और इसके कामों को देखते हुए उसके पास पावर के लिए एक पावरफुल सोर्स होना चाहिए। जो देखे जोन कहते हैं, एक सोर्स ये क्या है? साथ ही मुझे ये कहते हुए काफी ज्यादा एम्बेस फील होता है कि मैं अभी गॉड इमॉर्टल लेवल तक नहीं पहुंच पाया हूं। मैं केवल अपनी फिजिकल बॉडी का यूज करके ही इस लेवल की पावर को यूज कर पाता हूं। तभी जोयोली जोन को बताती है, हालांकि गॉड इमॉर्टल लेवल को 9 लेवल्स में डिवाइड किया गया है और हर एक लेवल का अपना एक छोटा सा रियलम होता है। पहला लेवल स्टार्टिंग होता है, दूसरा हाफ कैप्चरिंग। पहले दो लेवल पर आप जो लॉ ऑफ पावर को मास्टर करते हैं वो काफी ज्यादा इनिशियल स्टेज की होती है, जिसके बाद तीसरा लेवल होता है 9 सोर्स, जिसके लिए आपको सोर्स एनर्जी को महसूस करने की जरूरत होती है। साथ ही थर्ड लेवल ही है, आप जितने ज्यादा सोर्स पर मास्टर हासिल करेंगे आपकी ताकत उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होती जाएगी। साथ ही ताइक्सू के हाइनेस ने केवल एक ही सोर्स पर मास्टर हासिल किया है, वरना वो जिस स्पेस पावर का यूज करता है वो मुझे दबा सकती है। जो सुनकर जोन फूट फूट का इस्तेमाल करता है, क्योंकि वास्तव में ये गॉड इमॉर्टल लेवल जोयान अभी भी नहीं जानता इसके बारे में अच्छे से। हालांकि जॉन को यह पता था कि इसे भी 9 लेवल्स में डिवाइड किया गया और हर एक लेवल का अपना एक रियलम और एक पावर लेवल है, लेकिन जॉन को नहीं पता था कि एक सुप्रीम लेवल तक पहुंचने के लिए उसे कितना लंबा रास्ता तय करना होगा। जो देखकर जॉन तुरंत ही हैरान हो जाता है, आखिरकार पहले तो पूरे सेनेक्सी के अंदर केवल कुछ ही इमॉर्टल गॉड थे, लेकिन अब ये काफी ज्यादा हाई क्वांटिटी में दिखाई देते हैं और इसका मेन रीजन ये है कि शायद सेनेक्सी वर्ल्ड खतरे में है, इसीलिए कुछ नियमों में ढील दी गई और उन्हें बेतहाशा स्ट्रांग बनने के लिए पावर दी गई। साथ ही अर्थ के कोर से बाहर निकलने के बाद जोयान और जोयोली ने एक दूसरे से बात करने के लिए अपनी स्पिरिचुअल पावर और टेलीपैथी का यूज किया होता है। जोयान के पास यहाँ गॉड इमॉर्टल लेवल की इनिशियल अंडरस्टैंडिंग थी। जोयान तुरंत कहता है, अब जब मैं 9 स्टेप के एम्परर इमॉर्टल लेवल के पीक लेवल पर हूँ, गॉड इमॉर्टल लेवल केवल एक स्टेप दूर है, लेकिन वास्तव में इसे ब्रेक कर पाना आसान नहीं। आपको या तो कुई की मदद पर भरोसा करना होगा या नियमों को समझने के लिए मौकों की तलाश करनी होगी, लेकिन कुई पर भरोसा करना बहुत ज्यादा हार्ड है, इसीलिए इसे खुद खोजने से कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो फिलहाल जो हो रहा है उस पे फोकस करते हैं और बैटल पर ध्यान देते हैं। यहाँ पे बाहर निकलने के अलावा ऑब्वियसली कोई भी दूसरा मौका जॉन के पास नहीं होता। दूसरा जुलिन बाहर इंतजार कर रहा होता है। साथ ही इस टाइम पे जो यान का अटैक उसके ऊपर नहीं हुआ था, इस टाइम पे जिन इविल सोल्स ने जुलिन पर अटैक किया होता है, बेबी अर्थ के सेंटर से डायरेक्ट बाहर नहीं निकलती बल्कि झटपट आते हुए एक दूसरे के साथ फ्यूज होने लगती हैं और अंत में एक मिल्की व्हाइट 1000 फेस में बदल जाती है। दूसरा जोयोली की स्ट्रेंथ ऑब्वियसली उन सभी लोगों की सोल को कंट्रोल करने के जिसे उसने मार डाला है या फिर किसी ने भी मार डाला है, जोयोली सोल को कंट्रोल कर सकती है। साथ ही यहाँ पे जोयोली का मेन मोटिव केवल इनके दिमाग को डैमेज करना था। साथ ही जोयोली के चेहरे पर एकदम नफरत दिखाई दे रही हो तो वो अपने हाथ का इशारा करती है और ये चेहरों वाली जो सोल वाला फेस होता है सीधा ही आगे की तरफ बढ़ने लगता है। साथ ही से पागलों की तरह दहाड़ने की आवाजें आ रही होती हैं, जिसके बाद ये अपनी बॉडी को मोड़ते हुए सैकड़ों तंबुओं के साथ जुलिन की ओर बढ़ने लगते हैं। साथ ही किसी भी ग्रेविटी या अटैक का इन सोल के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा होता। आखिरकार ये सोल सीधा ही सेनेक्सी से रिलेटेड थी, जो इन सभी लोगों के हाथों में मारी गई थी। इनके अंदर का जो अग्रेशन होता बहुत ज्यादा था, जिसके बाद जोयोली तुरंत कहती है, फादर हमें इस मौके का फायदा उठाकर उसे मारना होगा। जोयोली अपने हाथ के डेथ सिकल को बढ़ाने लगती है और उसकी फिगर सदा लगातार हवा में चमकती रहती है। जब जोयोली इमॉर्टल लेवल पे थी तब वो गॉड इमॉर्टल लेवल के वर्ग के खिलाफ लड़ने में कैपेबल थी पावर ऑफ रीइनकार्नेशन पर भरोसा करके। अब उसकी पावर गॉड इमॉर्टल लेवल पर ब्रेक थ्रू कर चुकी है। सत्य उसके द्वारा किए जा रहे हर एक अटैक पर अब पावर ऑफ रीइनकार्नेशन काफी स्ट्रांग थी, इसीलिए उसकी आंखों की नफरत को देखकर ऐसा लग रहा था कि सब कुछ उसके कंट्रोल में ही था। दूसरा जुलिन धीरे धीरे चिल्ला रहा होता है और जोयान और जोयोली ने जो जगह देखी होती है वो धीरे धीरे क्रैक हो रही थी, यहाँ तक कि जुलिन की जो फिगर होती है वो भी एक लहर के साथ क्रैक हो रही होती है, जिसके बाद जोयोली ने डेथ सिक का यूज करते हुए सीधा ही उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है और यह सीधा ही उसकी बॉडी के अंदर घुस गया होता है। हालांकि जुलिन अचानक ही बेवजह ही जोयान की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे जोयान तुरंत ओरिजिन गॉड क्लोन का यूज करके उसे यहाँ तैनात कर देता है। साथ ही जुलिन के इमॉर्टल गॉड रियलम को रोकने के लिए जॉन ने त्यान जो पिलर का यूज किया होता है और जब जोयान और जोयोली पूरी तरीके से कंफ्यूज होते हैं तो उन्होंने जो देखा वो ना तो असली था ना ही नकली, क्योंकि अब इस सिचुएशन में बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल था। इसीलिए जोयान यहाँ पे एक उड़ती हुई स्लॉट को नोटिस करता है जो सीधे जॉन के खोपड़े के अंदर घुसने वाली थी, लेकिन लकीली जॉन जल्दी रिएक्ट करते हुए उससे बाल बाल बचता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक कट लग गया होता है, जिसके बाद ये उड़ती हुई स्लॉट एक पल में गायब हो जाती है। और जब ये फिर से अपेयर होती है तो उसने जो यूली के ऊपर अटैक किया होता है इसमें कोई भी पैटर्न नहीं था, साथ ही इसे ट्रैक कर पाना इम्पॉसिबल था। ऐसा लग रहा था जैसे इस जगह पर काफी सारे मिरर हों, जैसे जोयान और जोयोली के लिए ये अंदाजा लगा पाना इम्पॉसिबल हो गया था कि कौन सा अटैक रियल है और कौन सा नकली।
जिसके बाद जॉन शांति से देखता क्योंकि अब उसे एक चीज तो क्लियर थी कि जुलेन केवल पावर ऑफ स्पेस को कंट्रोल करके आसपास के एरिया को सील कर सकता है, वो इस पावर ऑफ स्पेस के लॉ को अभी भी चेंज नहीं कर सकता, इसलिए ये लॉ पावर तो होनी ही चाहिए। लेकिन जुलेन बहुत चालाक था, उसने जो यान और जो यूली को कुछ भी स्कैन या सोचने का टाइम देने से रोकने के लिए इस टाइम पे ऐसा अटैक करना शुरू कर दिया होता है। इस टाइम पे जॉन की बॉडी से अचानक काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी और ब्लड पावर वाइल्ड होने लगती है। जॉन के मुंह से खून बहने लगता है। जॉन ने देखा होता है ये उड़ती हुई जो स्रॉड होती है पॉइजनस होती है, और पॉइजन फिजिकल बॉडी में ओरिजन गॉड का सबसे बड़ा दुश्मन था, क्योंकि ओरिजन गॉड की बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा फास्ट होता है, इसीलिए ये पॉइजन और ज्यादा तेजी से फैलेगा। हालांकि जब जॉन एंटी वेनम पिल को लेने ही वाला होता है कि तभी अचानक उसे महसूस होता है उसकी डेंटियन में कंडेंस पॉइजन पिल अचानक ही कांपने लगी और जॉन की बॉडी में आए हुए इस पॉइजन को अब्सॉर्ब करने लगी है। जो सीन देखकर जॉन एकदम चौंक गया होता, उसे उम्मीद नहीं थी कि वास्तव में यह पॉइजन पिल इतनी ज्यादा इफेक्टिव होगी, लेकिन फिर भी जॉन चिंता के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। हालांकि पॉइजन को इस पॉइजन पिल द्वारा हटा दिया गया था, लेकिन अभी भी इसका एसेंस तो जॉन की बॉडी के अंदर मौजूद था, और जो यान को पता ही नहीं चला कि कब यह पॉइजन पिल अपनी सीमा तक पहुंच गई। लेकिन एक बार अगर ये अपनी लिमिट तक पहुंच गई तो ऑब्वियसली इसमें ब्लास्ट होगा। दो तब ऊपर से आसपास देखने पर ऐसा लग रहा होता है जैसे ये मिरर वर्ल्ड में अनगिनत स्रॉड तैर रही हो, कौन सी नकली कौन सी असली कुछ पता नहीं, इसलिए जॉन तुरंत कहता है जहाँ पर हो वहीं रहो, जोखिम लेना बेहतर है। जिसके बाद जॉन तुरंत एक्सट्रीम थंडर का यूज करते हुए आसपास के प्लेसेस में दौड़ना शुरू कर देता है। जॉन यहाँ पे इस प्लेस में लॉ ऑफ पावर को ढूंढना चाहता था, और जॉन टारगेट लेस होकर घूम रहा होता है। तभी जो यूली तुरंत कहती फादर ऐसे प्रॉब्लम उठाने की कोई जरूरत नहीं, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं, और जो यूली अपने डैड स्टिक को लहरा देती है। जिसके बाद वो तुरंत कहती रीपर डोमेन, और जो यूली जैसे ही कहती है उसने अपना खुद का इमॉर्टल डोमेन लॉन्च कर दिया होता है। जिसके बाद यहाँ पे बैटल में मारे गए अनगिनत लोगों की हड्डियाँ वापस से जिंदा होकर खड़ी होने लगती है, और ये जो क्वांटिटी होती है बेहद हैरतअंगेज होती है। पूरे हांगमैंग स्टार में बहुत सारे लोग थे जो काफी स्ट्रांग थे और उन्हें मारा गया था। भले ही पूरा एरिया कवर न किया गया हो अभी भी एरिया काफी बड़ा था, और यहाँ पे अनगिनत लाशें होती है। जो यूली के डोमेन के आसपास जितनी भी लाशें होती सभी जिंदा होती, सभी के अंदर एक वाइल्ड और ईविल एनर्जी होती है। साथ ही कुछ टाइम के लिए कुछ पावर को रख सकते होते हैं, अपनी पावर का कुछ हिस्सा। दोस्तों जुलेन का जो व्हाइट डार्क रियलम होता है वो बिखर गया होता है। आखिरकार जो यूली के डोमेन का सामना करते हुए उसे अभी भी थोड़ा सा सीरियस होना था। तभी जो यूली तुरंत ही कहती है रीफर स्पिरिट रियलम ब्रेकिंग ब्लेड। जैसे ही आवाज गूंजती है ये हड्डियां और अग्रेसिव सोल्स बाहर आती हैं, और जल्दी जो यूली के सामने कंडेंस होने लगती हैं, जिसके बाद ये उल्टी सीधी स्रॉड की एक ब्लेड में बदल जाती हैं। जिसके बाद जो यूली तुरंत ही कहती है ये आपके ताइक्सु के लोगों का ही रिजल्ट है, आपका किया आपको ही काटेगा, और ना केवल आपकी बॉडी बल्कि आपका सोल भी इससे काट दिया जाएगा। जो यूली की जो आवाज होती है एकदम कोल्ड होती है, उसकी खूबसूरत आके इस टाइम पे उसकी लंबी बॉडी के साथ बेहद कोल्ड लग रही थी। सत्य उसका एक पावरफुल ऑरा भी होता है, मानो वो किसी पर्सन की सोल और बॉडी का आकलन कर रही हो। सोल सेटरिंग ब्लेड के अपेयर होते ही जोली अपने हाथ को उठाती है और हवा में उसे स्लैश कर देती है। जिसके बाद जो इस ब्लेड से निकलता है वो अनगिनत व्हाइट कलर के धागे होते हैं जो जुलेन की तरफ दौड़ रहे होते हैं। साथ ही वो डायरेक्शन और प्लेस को पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं। रियल डुप्लीकेट सही गलत सबको छोड़ते हुए ये जुलेन की रियल बॉडी को लॉक करते हैं, और एक पल के लिए आसपास का जो प्लेस होता है वो क्रैक हो गया होता है। जुलेन सफेद रेशम के धागों में उलझा हुआ होता है, चेहरे पे घबराहट के इंप्रेशन होते हैं, जो देखकर जुलेन तुरंत ही कहता है यहाँ से चले जाओ, तुम चीटियों मैं तुम सबको मार दूंगा, तुम सभी चीटियां मरने लायक हो। हालांकि उसकी नजर में अनगिनत घोष्ट उसकी बॉडी पर चढ़े हुए होते हैं, चाहे वह कोई भी हो, चाहे उसने कितना भी स्ट्रॉन्ग ऑरा क्यों ना शो किया हो, पावर क्यों ना शो की हो, उसने कितना भी एफर्ट क्यों ना किया हो, वो इससे छुटकारा नहीं पा पाया था। इसके अलावा ये जो घोष्ट सोल उसकी बॉडी में चिपकी हुई होती है ये उसकी सोल एक एक करके खा रही होती है, जिससे उसे काफी पेन हो रहा होता है, और जुलेन इससे जल्द से जल्द छुटकारा पाना चाहता था। दोस्तों जो यूली सीधा ही बाहर निकलते हुए जुलेन के पास जाती है, उसकी कमर लेफ्ट राइट कांप रही होती है, जिसके बाद वो सोल सेटरिंग ब्लेड का यूज करते हुए जुलेन के ऊपर अटैक कर देती है। दूसरी तरफ जो यूली का अटैक देखते हुए जुलेन पेन में होने के बावजूद भी जोर से चिल्लाते हुए कहता है रिवर्स, जिसके चिल्लाते जो यूली द्वारा अटैक किया गया जो ये सोल सेटरिंग ब्लेड होता अचानक उसकी आंखों के सामने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देता है, जो देखकर तो जो यूली भी काफी हैरान होती है। हालांकि जब जो यान जो यूली और जुलेन लड़ रहे होते हैं
तभी हॉन्गमैंग स्टार पे भी एक खतरनाक बैटल स्टार्ट हो चुका होता है। ताइक्सू वॉरियर की जो क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे आया हुआ हर एक बंदा जो जोयान की टीम से था वो इमॉर्टल गॉड होता है, जिनमें से थ्री स्टेप इमॉर्टल गॉड भी थे और इन ताकतवर लोगों ने कमाल संभाल कर रखी होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस समय तीनों बू ब्रदर बैटल एरिना में शामिल हो गए होते हैं। आखिरकार अगर वो नहीं करते तो योहान ने सुने बुरी तरीके से पेलता। और इसके अलावा ताइक्सू वॉरियर की जो क्वांटिटी थी अभी भी बढ़ती जा रही होती है और इस टाइम पे पूरी तरीके से बैटल सिचुएशन कठिन होती जा रही होती। हालांकि 50,000 इमॉर्टल गॉड लगातार मार रहे थे, लेकिन वाइड बीच या ताइक्सू बीच से निकलने वाली ताइक्सू वॉरियर की क्वांटिटी कम होने के बजाय बढ़ रही होती है। हालांकि ताइक्सू के अटैकों को रोकना ही सबसे ज्यादा जरूरी था। दूसरा, जो ताइक्सू था ये पतंगों की तरह लगातार अपने एनिमी के ऊपर अटैक करके अपनी हाई क्वांटिटी का यूज करके उन्हें हराने में फोकस करता था। हालांकि जूलेन के पास कई तरकीबें हैं, उसके पास डोमेन वाली स्ट्रेंथ है, पावर भी बहुत स्ट्रांग है और थोड़े टाइम के लिए जोयान और जोयोली दोनों ही उसके खिलाफ लड़ रहे होते हैं। साथ ही जोयान जानता था कि इसमें जितनी ज्यादा देरी होगी ये उनके लिए उतना ही ज्यादा नुकसानदेह होगा, इसलिए जोयान इस टाइम पर ना तो कोई रिसोर्सेस ना ही कोई चीज अपने पीछे रख सकता था। उसे हर एक तरीके से इस बैटल को खत्म करने का रास्ता खोजना था। साथ ही जूलियन के जागने के बाद ऑब्वियसली ताइक्सू का बैकअप और आर्मी आना भी स्टार्ट हो चुका होगा। और एक बार थर्ड लेवल के ताइक्सू के पावरफुल लोग अपेयर हुए तो उनकी पावर और भी ज्यादा स्ट्रांग होगी, या शायद उससे भी ज्यादा स्ट्रांग इमॉर्टल गॉड अपीयर होंगे, जिसके बाद उन्हें घेराबंदी में लाया जाएगा। दूसरा, जॉन के और जॉन गॉड ने अभी भी गॉड इमॉर्टल लेवल को ब्रेक थ्रू नहीं किया। साथ ही जॉन की सबसे स्ट्रांग टेक्निक अभी भी उसके फोरहेड के सेंटर में चमक रही है 9 स्टार है और उसकी आंखों में वो ट्विन स्टार, जिसके बाद जॉन की बॉडी हजारों फीट बड़ी हो जाती है और चाना की बॉडी फटकर 10,000 फीट में ब्लड मिस्ट में बदल जाती है, जिसके बाद एक के बाद एक जॉन की बॉडी में ब्लास्ट होने लगती है और जोयान की जो बॉडी होती है 1,00,000 फीट तक पहुंच गई होती है, जिसके बाद जॉन तुरंत कहता है स्टार किलिंग फिंगर। जॉन द्वारा पहले यूज किया गया स्टार किलिंग फिंगर हालांकि उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन ये जो अटैक होता है ऐसा लग रहा होता है मानो हॉन्गमैंग स्टार को ही डिस्ट्रॉय कर देगा और ये अटैक आसमान से गिर रहे सूरज की तरह लग रहा होता है। इसने जो पावर शो की होती है उसे देखकर तो जोयुली भी समझ गई होती है कि पहले ही किनारे हट जाओ, वो पीछे की तरफ आ जाती है। साथ ही इस अटैक द्वारा कवर किया गया एरिया काफी बड़ा होता है। दूसरी तरफ यहाँ पे इस अटैक के साथ जूलियन को रोक पाने की जो पॉसिबिलिटी थी वो बेहद कम थी, फिर भी जितना ज्यादा हो सके जोयान उसे पीछे ही रखने का कोशिश करना चाहता था। हालांकि तभी जूलियन अपने इंडेक्स फिंगर और थंब के साथ दोनों हाथों को मिलाते हुए एक स्क्वायर बनाता है और इसके बाद अचानक ही चीखते हुए कहता है वाइड सेटरिंग निर्वाण। जैसे जैसे उसके मुंह से वर्ड निकल रहे होते हैं वाइड उसके जोयान के फिंगर अटैक के सामने धीरे धीरे क्रैक होने लगता है और जोयान के अटैक को रोकने के लिए उसने पावरफुल इफेक्ट और अटैक का यूज किया होता है, जिसके बाद एक बूम की आवाज आती है और दोनों के अटैक गायब हो गए होते हैं और पूरा का पूरा हॉन्गमैंग स्टार पागरों की तरह हिल गया होता है। और ये देखकर जोयुली जोयान के साथ कोऑपरेट कर रही होती है और वो जूलियन की तरफ दौड़ पड़ती है और अपने सोल सेटरिंग ब्लेड को जूलियन की तरफ बढ़ा देती है। साथ ही जूलियन की बॉडी में लिपटे हुए घोस्ट अभी भी उसकी सोल को खा रहे होते हैं और जूलियन को केवल ऐसा महसूस हो रहा होता है कि जैसे उसकी सोल को काटा जा रहा हो। जूलियन ने कई बार खून की उल्टियां भी की होती, उसकी आंखों में घबराहट होती, उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने के दो लोग इतने ज्यादा पावरफुल होंगे। वो तुरंत ही कहता है बिल्कुल तुम चीटियों, तुम्हारे लिए योहानिस को मारने की कोशिश करना इम्पॉसिबल है। यह देखते हुए कि जूलियन पूरी तरीके से नुकसान में हो, बस वो जोर से चिल्लाते हुए अपने हाथों को खोल देता है। दूसरा पान की ना ताइक्सू वॉरियर एक के बाद एक झुंड बनाकर कंटिन्यू आते रहते हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इनमें से कोई भी खत्म होने वाला है। साथ ही कहें तो जूलियन द्वारा यूज की जाने वाली स्ट्रेंथ और अटैकों में बहुत सारी एनर्जी खर्च हो रही थी, लेकिन वो बिल्कुल बिना थके हुए इनका यूज कर रहे थे। इसका मेन रीजन ताइक्सू बीस्ट थे, अगर आपकी एनर्जी खत्म होती है तो वो कंटिन्यू उसे फिर से भर सकते थे और वो जल्दी जोयान और जोयुली के साथ फाइट करते हुए वापस एनर्जी को रिकवर कर लेता है। यहाँ तक जूलियन के पास अभी भी एक बड़ा फायदा था, वरना भले ही वो अब तक हार चुका होता। दूसरा, जोयान की जो स्टार किलिंग फिंगर होती है उसके नीचे अनगिनत ताइक्सू वॉरियर दौड़ पड़ते हैं और अपनी बॉडी का यूज करके उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन भले ही उन्होंने वाइट गॉड आर्मर पहना हुआ हो आर्मर पूरा का पूरा मेल्ट हो जाता है और आर्मर के अंदर उनकी बॉडी खाक। बड़ी क्वांटिटी में ताइक्सू वॉरियर एक एक करके मरने लगते हैं, जिससे स्टार किलिंग फिंगर की भी अटैक पावर कमजोर होती जा रही होती है। जिसके बाद जॉन तुरंत ही कहता है सेविंग सॉकिंग गॉड ऑफ डिवाइन स्टेप। जॉन योहानिस द्वारा दिए गए बैटल स्किल का यूज करता है, जिसके लिए फिजिकल स्ट्रेंथ स्ट्रांग होनी चाहिए, जितनी स्ट्रांग फिजिकल बॉडी उतना ही अटैक स्ट्रांग होगा। इसलिए यह कहा जा सकता था कि पैर की साइड धीरे धीरे जोयान के सामने ही सूरज को ढकने लगती है। साथ ही इसका कवर किया गया एरिया काफी सरप्राइजिंग होता है, यहाँ तक कि जोयुली ने भी कभी नहीं सोचा था कि जोयान के पास ऐसा दबंग अटैक होगा। तभी जूलियन भी इसे देखते हुए कहता है ये कैसा अटैक है, फॉर्मेशन एक्टिवेट करो। इस समय उसे अपनी खोपड़ी सुन्न महसूस हो रही होती है और वो फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है। ये वो फॉर्मेशन होता है जिसे ताइक्सू ने हॉन्गमैंग स्टार में पहले से ही अरेंज करके रखा हुआ होता है। यहाँ पे कुल 5 वाइड बीस्ट होते हैं, यानी कि ताइक्सू बीस्ट, जिन्हें इक्वली डिस्टेंस पर रखा गया होता है। साथ ही ताइक्सू बीस्टों का यूज एनर्जी की कमी को पूरा करने के लिए किया जा रहा था और यहाँ पे जूलियन को
फॉर्मेशन आई के तौर पर, जिसके बाद अचानक ये हॉन्गमेंग स्टार पूरी तरीके से कांपने लगता है और हॉन्गमेंग स्टार का आधे से ज्यादा हिस्सा कवर कर लिया गया होता है। जिसके बाद सेंटर ईयर में एक ब्लड सील कंडेंस होती है जो जो यान की तरफ बढ़ रही होती है। साथ ही खून का निशान धीरे धीरे घूम रहा होता है जिससे खतरनाक पावर निकलती है, जो देखकर जोन कहता है चूतिया, ओए गोयान उठ उठ, चल 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 जल्दी आ बाहर आ बाहर आ। जो देखकर गोयान तुरंत कहता मामू क्या हो गया मामू, सोने दे यार, इतना हसीन सपना देख रहा था, चार चार हसीन सुंदर लड़कियां मेरे साथ लेटी हुई थी मामू, तूने उठा दिया, मेरी बस शादी होने वाली थी। जो देखकर जोन कहता देख तेरा सपना तू देख रहा था ना, मेरे कारण नहीं टूटा, वो सामने वाला बंदा फॉर्मेशन का यूज कर रहा है उसके कारण टूटा है, अगर वो अटैक ही नहीं करता मैं तुझे बुलाता ही नहीं। जो देखकर गोयान तुरंत ही कहता है इसकी माँ का साकी नाका, तुरंत ही उसकी आंखों से जो लाइट निकलती है और सामने से आ रहा जो ये ब्लड मार्क होता है जो जो यान की तरफ बढ़ रहा होता है एक धमाके के साथ पुचक फट जाता है। जो कुछ भी बचा हुआ होता है वो केवल एज लाइट होती जो अभी भी आगे बढ़ रही होती है और फूट रही होती है, जिसे देखकर तो जूलिन की आंखें अचानक ही बंद हो जाती है और जब उसकी आंखें अचानक ही खुलती हैं तो इस टाइम पे जोन का सेवन स्टॉकिंग गॉड ऑफ डिवाइन स्टेप उसकी तरफ बढ़ चुका होता है। जूलिन आखिरकार घबरा जाता है, यहाँ तक कि वो तुरंत ही ताइक्सू के फॉरबिडन वेपन को भी यूज करता है और उसकी एक लहर के साथ अलग अलग कलर की तीन शील्ड क्रिएट होती है जो सैकड़ों फीट तक फैल जाती है और जूलिन के लिए इस अटैक को रोकने लगती है। जिसके बाद वो तुरंत ही कहता है तू फैमिली के तीनों कुत्तों तुम यहाँ क्यों नहीं आते और मेरी मदद क्यों नहीं करते, ऐसा लग रहा होता है कि तू सरनेम वाले लोगों की ज्यादा इज्जत ये लोग करते नहीं थे। हालांकि जब तू ब्रदर ये सुनते हैं जूलिन की आवाज तो वो यहाँ से भाग जाना चाहते थे लेकिन ऑब्वियसली वे चाहे तो भी ऐसा नहीं कर सकते थे। हालांकि इस टाइम पे वो एशियंट इमॉर्टल मॉन्स्टर वर्ल्ड के थ्री स्टेप एप्रे मॉडल के एक स्ट्रॉन्ग पर्सन से उलझ गए थे, इसीलिए उनके पास भी पीछे हटने का कोई ऑप्शन था नहीं, इसलिए वो तुरंत कहते महामहिम हम जल्दी ही आते हैं बस आप अपनी बचाइए। लेकिन तभी मोटल मोस्टर एशियंट बल्ड की कई हस्तियां खतरनाक अटैकों के साथ तीनों ही टू ब्रदर के पास दौड़ पड़ती हैं। वो तुरंत ही कहते हैं क्या आपके पास वास्तव में कंबाइन होने वाली टेक्निक है, क्या ऐसा हो सकता है कि आप क्लोन टेक्निक का यूज कर सकते हैं। दूसरा ये जो तीनों टू ब्रदर होते उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आसमान में खड़ी हुई सभी की सभी फिगर ये मोटल गॉड है, यहाँ तक कि जब उन्होंने सबसे मजबूत सैनिक सीखे एशियन डिवाइन रियलम का सामना किया था तब भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं देखा था। जो सब जूलिन केवल अकेले ही लड़ सकता था और जो यूली और जो यान द्वारा सो किया गया एनर्जी और उन्हें धीरे धीरे मजबूर कर रहा होता है। हालांकि वो जानता था कि जोन ऑरिजन गॉड क्लीन का मेंबर था लेकिन उसे नहीं पता था कि जोन इतना ज्यादा पावरफुल होगा। वो तुरंत कहता है वाइट डिस्ट्रक्टिव निर्वाणा रेज, जोलिन जैसे ही निर्वाणा रेज लेजर बीम का यूज करता है अचानक ही ये उसकी स्पेस पावर से जुड़ा हुआ होता है और उसके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। लेकिन देखा जा सकता था कि इस अटैक की पावर पहले जैसी पावरफुल नहीं थी लेकिन जूलिन द्वारा यूज किया जाए लॉ पावर को भी कम करके नहीं आंका जा सकता था क्योंकि जो पावर ऑफ लॉ है वो किसी पावर के कंपैरिजन में कभी भी कैलकुलेट नहीं की जा सकती। सतीश टाइम पे जूलिन की आंखों में डॉच करने का कोई इरादा नहीं था, अगर वो लड़ना ही चाहता है तो वो पूरी तरीके से लड़ेगा। साथ ही उसे पता था कि अगर बैकअप नहीं आता तो वो बैटल में आज मारा जाएगा और अगर वो पीछे हटना चाहता है तो वो ताइक्सू बीस्ट की तरफ देखता है, उसे लग रहा होता है अगर वो भागना चाहता है तो उसे कोई रोक नहीं पाएगा। जिसके बाद वो तुरंत ही कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहां से आए हो, मैंने तुम्हें याद कर लिया है। और इतना कहने के बाद वो अपने हाथ को लहराता है और अचानक वॉइड में एक क्रैक दिखाई देता है जिसमें से एक वॉइड ताइक्सू बीस्ट दिखाई देता है जिसके बाद वो रेनबो में बदलकर दूर जाने वाला होता है। सही, जब तीनों ही ताइक्सू ब्रदर टू ब्रदर ये देखते हैं कि जूलिन यहाँ से भाग रहा है तो ऑब्वियसली भागने में तो उसका कोई मुकाबला नहीं था। तीनों ब्रदर एक पल में ही हैरान हो गए होते हैं और इसे इग्नोर करने की हिम्मत नहीं की होती, वो भी अपनी स्पीड को फुल स्पीड पर बढ़ाकर अपने क्लोज वाले ताइक्सू बीस्ट की तरफ दौड़ पड़ते हैं। बाकी के सभी ताइक्सू वॉरियर तोप का चारा बन गए होते, इस टाइम पे सिचुएशन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। हालांकि यहाँ पे अभी भी दर्जन प्लस ऐसे लोग थे जिनके पास सोल थी और वे सभी ताइक्सू कमांडर थे लेकिन उनकी सिचुएशन तीन तू भाई जैसी अच्छी नहीं होती और ये देखकर कि वो भागना चाहते हैं और वाइड ताइक्सू बीच की तरफ भाग रहे हैं ये कुछ भी नहीं कर सकते थे। और जब जियो यूली ये देखती है तो वो पूरी स्पीड से उनका पीछा करती और कहती फादर वो भागना चाहते हैं। ऐसे मौके को पकड़ना हालांकि कठिन था लेकिन अब ये मौके जब हमारे सामने है तो हम उन्हें भागने नहीं दे सकते। आखिरकार जिस पर्सन को वो मार रहे होते हैं और वो उनके सामने था वो कोई और नहीं बल्कि ताइक्सू का महामहिम था यानी योहाइनेस, जो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं होगा और उसकी प्रेजेंस काफी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। साथ ही ये पर्सन ताइक्सू को एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप दे सकता था। जो यूली काफी क्यूरियस दिखाई दे रही होती है क्योंकि पिछली बार तू यह भागने में कैपेबल रहा था और बिना किसी तैयारी के उसे रोकना मुश्किल था। दोस्तों दूसरी ओर जोन को कोई भी जल्दी नहीं होती, वो बस आसमान की तरफ देखता है और अचानक एक बूम की आवाज आती है। जैसे ही जूली हवा में पीछा करी होती है अचानक एक तेज आवाज आई और जूलिन के ताइक्सू बीस्ट पर एक जोरदार अटैक हुआ होता है और पूरे ही आसमान में एक बड़ी सी फॉर्मेशन दिखाई देती है। जो देखकर जूली तुरंत ही कहती है अरे बाप रे पापा यहाँ कोई फॉर्मेशन लगा के गया है,
यह पूरा का पूरा स्पेस सील है, कोई नहीं भाग सकता। जो यूली बिल्कुल भी संकोच नहीं करती और डेस्थ थेक को लेकर टैक्सुविस्ट की तरफ दौड़ पड़ती है। यहाँ तक कि तीनों टू ब्रदर भी कोई अपवाद नहीं होते, वो भी यहाँ से नहीं भाग पाते। जो देखकर जान कहता है डॉग आई यार, बहुत अच्छा यार, दिल खुश कर दिया। जो देखकर डॉग आई तुरंत कहता है साले ने मेरा सपना तोड़ा, मेरी शादी होते होते रह गई, नहीं छोड़ूंगा किसी को, मार मामू मार। जो सब जो है नॉर्मली थपथपाते हुए कहता है कोई बात नहीं, मैं तेरी शादी करा दूंगा, 40 से कर लियो। जो देखकर गोयन तुरंत कहता है बस क्या क्या क्या, तुम जानते नहीं मैं किस तरीके का इंसान हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ यार, मैं ऐसे सब गंदे काम नहीं करता। 1000 फ्रॉड किलर मामू यार तू, कभी कभी मेरे साथ कुछ ज्यादा इगोइस्टिक और असभ्य नहीं हो जाता? देख एज वाइज ले ले, लाइफ वाइज ले ले, एक्सपीरियंस वाइज ले ले, मैं तेरे से बड़ा हूँ यार, 40 थोड़ी कम नहीं है, थोड़ा और बढ़ा। तभी जान कहता है बिल्कुल 50। और इसके बाद जो अचानक ही गोयान का हाथ निकाल लेता है और उस हाथ के अंदर हाउतियान थंडर भरने लगता है। हाउतियान थंडर की स्ट्रेंथ तो तुम लोगों को पता ही है कि आर्मर को ब्रेक करके अंदर घुस सकती है, इसलिए जोन ये कोशिश करके देखना चाहता था कि ये सीधे ही इसके अंदर जा पाएगी या नहीं। जिसके बाद ये हैंड पूरी तरीके से थंडर के साथ साइन होने लगता है और इस थंडर के साथ टैक्सुविस्ट की तरफ बढ़ने लगता है। जिसके बाद एक फाड़ने वाली आवाज आती है और टैक्सुविस्ट में एक बड़ा सा छेद हो गया होता, पूरा टैक्सुविस्ट हाउतियान थंडर से भर गया होता है। और ये देखकर जोयुली सीधा ही उसी टैक्सुविस्ट की तरफ दौड़ पड़ी होती है। और ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। अब जब इसका चैप्टर आएगा तभी हमें पता चलेगा कि साला क्या हुआ जूसेन का, जूलिन का, क्या नाम था इसका, मैं नाम कैसे भूल गया, अबे जूलिन ही तो नाम था इसका। तो चलो बाय बाय थ्री एंड फैमिली, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और देखेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय थ्री एंड फैमिली, गुड नाइट।